राजनीति में उतर चुकी कंगना रनौत लोकसभा चुनाव तो बाद में लड़ेंगी, फिलहाल वो बॉलीवुड स्टार से लड़ने से पीछे नहीं हट रही हैं। बॉलीवुड एक्टर से लड़ने से उन्हें फुर्सत नहीं है। राजनीति में लड़ाई उनकी कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा। आपको बता दें, इस बार शाहरुख खान को भी निशाने पर लिया है कंगना रनौत ने। खुद की कंपैरिजन उन्होंने शाहरुख खान से की और कई ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे शाहरुख खान दंग होंगे। कंगना रनौत ने अपना घमंड दिखाया है शाहरुख खान को और शाहरुख को वाकई में नीचा दिखाने का किया प्रयास अपने विवादित बयान से। जी हाँ, हमारे रिपोर्ट में बता दें, कंगना ने कहा बिगेस्ट सुपरस्टार जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो कामयाबी के बाद काफ़ी बुरे तरीके से फेल होते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है। शाहरुख खान की 10 फिल्में नहीं चली, फिर पठान चली, मेरी 7-8 साल कोई फिल्म नहीं चली, फिर क्वीन चली, फिर 3-4 साल बाद मणिकर्णिका चली, नाउ इमरजेंसी इज रिलीजिंग नेक्स्ट, यू नेवर नो, मे बी इट विल वर्क वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस, कहना है ये कंगना रनौत का। शाहरुख खान को स्टार्स के लास्ट जनरेशन के तौर पर वो देखती हैं, ये उन्होंने कहा। OTT कभी भी स्टार्स नहीं बना सकता, हम जाने माने चेहरे हैं, ग्रेस ऑफ गॉड, हमने काफ़ी चीज़ें डिमांड में देखी हैं, बट मैं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ खुद को असली दुनिया के साथ, वो फील्ड ऑफ आर्ट से बिल्कुल अलग, इसलिए राजनीति से जुड़ने का लिया फैसला। नेक्स्ट 9 लाइव से ट्रिप्टिक रिपोर्ट।